subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं रूपनाथ मंदिर। रूपनाथ मंदिर जो कि बहुत ही प्रचलित और प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह वह मंदिर है जहाँ पर शंकर जी रहते थे। का एक गुफा है यहाँ पर ऊपर में, वो दिखाऊँगा आपको, जहाँ से शंकर जी गुफा के अंदर से बांदकपुर गए थे ऐसा माना जाता है। तो वह सारी चीज़ें मैं वहाँ अंदर जाकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर जो है 80 साल पुराना मंदिर है। यह जो मंदिर है अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पर जो शिला लेख लिखा हुए हैं उस हिंदी में रूपांतर किया गया है, और रूपांतर के इसमें यहाँ देखने को जो मिल रहा है मुझे, वह देखने को आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि यह जो मंदिर है यह 232 वर्ष पूर्व का है, जहाँ यह शिला लेख में लिखा हुआ है। शिवलिंग का नीचे का आकार का आकार होता है, उसके आकार का यह देखिए बावली देख रहे हैं आप, और ये बहुत गहरी है। इसकी जो गहराई है वो आप नाप ही नहीं सकते, यहाँ नाप भी नहीं पाया है कोई आज तक। ये बहुत ही ज्यादा गहरी है। दोस्तों, जय महाकाल की, बम बम भोले की, जय महादेव। तो यह जो मेरे पीछे आपको जो मंदिर दिख रहा है उसके बारे में बता दूं मैं, जो भस्मासुर थे उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी, और उनको जो वरदान मिला था शंकर जी का वो इधर ही मिला था, और उनको कि किसी भी के सर में अगर वो हाथ रख दें तो वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा था। लेकिन भस्मासुर ने वरदान के बाद वो शंकर जी के ऊपर ही वह हाथ रख रहे थे। तो इस जो गुफा है, यहाँ पर गुफा है, यहाँ से ही शंकर जी बांदकपुर चले गए थे इसी। जय हो। और आपको यहाँ से देखिए देखने को जो मिल रहा है, इधर आप देख रहे हैं यह गुफा है, और यह गुफा से बताया जाता है कि जो शंकर जी हैं यहाँ से बांदकपुर चले गए थे। देखिए, जबलपुर से यहाँ पर भैया लोग जो आए हुए हैं इस मंदिर में घूमने के लिए। यह तालाब है, और यह तालाब जो है बहुत ही ज्यादा पुराना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो पानी है कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता है। उसका यह बहुत ही बड़ा जो कारण है वह मैं आगे आपको बताऊंगा। ये तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर माता पार्वती जी का मंदिर, और मंदिर के पास गुफा भी है, गुफा के अंदर हम जाएंगे। तो चलते हैं, हम अंदर देखते हैं क्या कैसा क्या क्या दिखता है, देखते हैं पता नहीं क्या नहीं होगा वहाँ पर। सीधी सी बात है, यह अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पर आपको मैं ऊपर की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से देखने को मिलेगा आपको। जय श्री राम। दोस्तों, यह देखिए आपको जो यह एरिया दिख रहा है, यह कुंड दिख रहा है, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी और सीता माता और राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर यहाँ पर कुछ पलों के लिए यहाँ पर ठहरे थे, और यहाँ पर ठहरे थे तो यहाँ पर जो ये कुंड दिख रहा है आपको, वहाँ पर राम कुंड है, और फिर उसके बीच में भी एक पहाड़ के बीच में कुंड है सीता कुंड, और यह जो दिख रहा है यह है लक्ष्मण कुंड। यहाँ पर लक्ष्मण कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी भी पानी खत्म नहीं होता है। खत्म ना होने का जो एक कारण है, वह कारण यह है कि इसके जस्ट ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं वहां पर आपको ले जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, यह है रूपनाथ का, ऊपर से मैंने ये कैप्चर किया है यह वीडियो को। यह रूपनाथ, नीचे हम देख रहे थे वो जो कुंड दिखाया था मैंने, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, वहीं के ऊपर मैंने बताया था कि ये पानी जो आता है कहाँ से आता है। यह पानी आता है जहाँ से, वह चीज मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ। पर यह है, यहाँ से देखिए ये पूरा इस एरिया का ये। अब चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर जो कि रूपनाथ के पहाड़ों के ऊपर है, और पहाड़ के ऊपर ये इतना बड़ा एरिया और इतना भारी तालाब, ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत जगह है। यह यहाँ पर पहाड़ है जो मुझे जूते की तरह लगता है, आपको भी मैं दिखाता हूँ वह पहाड़। ये देखिए, जो मेरे लेफ्ट में राइट में आप जो पहाड़ देख रहे हैं उसे आप गौर से देखिए,
क्या यह जूते की तरह लग रहा है? यह पहाड़ देख रहे हैं आप, यही इसी की बात कर रहा था मैं। ये जूते की शेप का पहाड़ है। हेलो गाइस, तो यह हमारा रूपनाथ और बिलहरी, और बिलहरी में देवी का मंदिर था जो वहाँ का एक ब्लॉग था। ये पूरा कंप्लीट ब्लॉग मैंने बनाया है, यहाँ पर एंड होता है। और आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए। और बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत मानता हूँ। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।